साल 2019 स्मार्टफोन के लिए काफी ज्यादा अच्छा साल होने वाला है गाइस, क्योंकि बजट स्मार्टफोन के रेस में रियलमी, रेडमी, सैमसंग जैसे क्रेजी इनोवेटिव ब्रांड्स काम कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रियलमी 3 के बारे में। काफी ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन हो चुका है गाइस लॉन्च होने से पहले। सो हे गाइस, माय नेम इज शाकिब, आप देख रहे हो techgroup.com। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस इंट्रो के साथ। हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ, और ये है रियलमी 3 का ऑफिशियल बॉक्स। बहुत ज़्यादा सिमिलर है गाइज प्रीवियस रियलमी U1 से, वही आपको ग्रे एंड येलो का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। सो सामने की तरफ आपको 3 लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि आपको रियलमी 3 है। सो बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से अनबॉक्स करते हैं बॉक्स को। सो सबसे पहले आपको बॉक्स में मिल जाएगा कुछ बोरिंग सामान जैसे कि सिम इजेक्टर टूल, क्विक स्टार्ट गाइड, यूज़र मैनुअल, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसका नाम है TPU केस कवर। और गाइज इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आगे आपको देखने को मिल जाएगा मेन कंटेंट रियलमी 3, और ये डायनामिक ब्लैक कलर है इसका। इसका एक ब्लू कलर भी अवेलेबल है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा आगे। और इसमें आपको स्टेरी इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको डॉट डॉट सा ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्लू सा कुछ दिख रहा है, वो स्टेरी इफेक्ट कहते हैं रियलमी की लैंग्वेज में, जो कि ठीक सा लग रहा है, प्रीवियस डिवाइसेज से ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। सो अभी के लिए मोबाइल को कर देते हैं साइड में। और आगे आपको मिल जाएगा नॉर्मल चार्जर, ट्रैवल अडाप्टर चार्जर, 5W 2A वाला चार्जर, ये नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है। और आपको नॉर्मल USB डाटा केबल भी मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द अनबॉक्सिंग गाइज। अब बात कर लेते हैं रियलमी 3 की और इसके कुछ न्यू फीचर्स के बारे में। सो गाइज, अपना रियलमी 3 ऑन हो चुका है, और ऑन होते ही मेरी नज़र गई सबसे पहले इसके कलर OS 6 पे। अगर आप एक गीक हो या फिर आपने पहले रियलमी के डिवाइस यूज़ किया है तो आपको मालूम होगा कि कलर OS कितना ज़्यादा बल्की होता है, थोड़ा बहुत भारी होता है, लैग भी करता है फ़ोन, लेकिन फिर भी कलर OS 6 काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है पहले से, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। मैंने रियलमी 3 काफ़ी देर तक यूज़ किया और मुझे लगता है कलर OS काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, और कलर OS 6 का जो वर्जन है वो जितने भी रियलमी डिवाइस सबको बहुत जल्दी मिलने वाला है। वॉलपेपर्स के लिए आपको सेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा, आप आराम से होम स्क्रीन से चेंज कर सकते हो। कलर OS 6.0 में काफ़ी ज़्यादा न्यू फीचर्स आ चुके हैं, जैसे कि इनका जो प्रीवियस गेम स्पेस था उसका आपको न्यू इंटरफेस आ गया है, ये पहले से ज़्यादा अपग्रेडेड भी है। गेमिंग के टाइम आपको ये हेल्प करेगा बैलेंस ग्राफिक्स पे, गुड सिग्नल में, नोटिफिकेशन ब्लॉक करने में, और शायद से बैटरी भी आपको यहाँ पे ड्रेन कम होगी। और गाइस कैमरा में आपको न्यू इंटरफेस मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगा मुझे। 1 टैप में आपको पोर्ट्रेट, फोटो एंड वीडियो मोड है, और एक्स्ट्रा मोड्स में जैसे कि आपको पैनोरामा मोड या फिर एक्सपर्ट मोड, टाइम लैप्स, स्लो मोशन और गूगल लेंस, ये सब आपको 1 टैप में आपको है एक्स्ट्रा एडेड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और ऊपर में काफ़ी सारे जो भी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं कैमरा के वो एडेड है। और इसका जो AI सीन डिटेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, सारे सीन को डिटेक्ट कर लेता है, जैसे कि फ्लावर्स को, नेचर को, टेक्स्ट को। सो मैंने सबको टेस्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा था। सो फर्स्ट हैंड इंप्रेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कलर OS 6.0। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा, और अगर आप रियलमी यूज़र हो तो खुशखबरी भाई, आपके लिए काफ़ी अच्छा आपको इंटरफेस मिलने वाला है। बात कर अगर कैमरा की तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा रियर साइड में 13+2 MP का सेंसर, जो कि ऑन पेपर तो बहुत कमाल का सेंसर नहीं है गाइज, लेकिन हाँ डे लाइटिंग कंडीशन और इंडोर लाइटिंग कंडीशन में फोटो काफ़ी अच्छी आ जाती है। HDR मुझे काफ़ी इंप्रूव लगा है, बिकॉज कि रियलमी U1 मैं यूज़ करता हूँ और इसमें भी आपको सेम कैमरा सेंसर मिल जाता है, लेकिन आप पिक्चर की जो कलर एक्यूरेसी है, ऑप्टिमाइजेशन, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। रियलमी 3 काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड आपको कैमरा के साथ आता है। हाँ, लेकिन आपको कैमरा का जो सेंसर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी डल मिल जाएगी, मतलब कि 13+2 MP के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, और आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भी काफ़ी अच्छी फोटो ले पा रहा है 13+2 MP का ये रियर सेंसर। और बात करते हैं सेल्फी में, तो आपको सेल्फी में 13 MP का सेंसर मिल जाएगा, जो कि आपको वही मेकअप वाले सेल्फी दे देता है, थोड़ी सी अच्छी नेचुरल सेल्फी है लेकिन उतनी कमाल की नहीं है। और मुझे सेल्फी का जो सेंसर वो डिसेंट लगा, लेकिन 13 MP के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और ये रहा कुछ सेल्फी सेंसर का सैम्पल शॉट्स। और गाइस अगर बात करते हैं रियलमी 3 के प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग मुझे अभी तक पता नहीं है, क्योंकि मैं आपको वीडियो लॉन्च से पहले बना रहा हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 10,000 से नीचे ही रहेगी, मतलब 3GB रैम वेरिएंट की। एनीवेज गाइस, जो भी प्राइसिंग होगी मैं आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। और गाइस अगर बात करते हैं इसके बैटरी की, तो ऐसा रियलमी क्लेम करता है कि अपने प्राइसिंग रेंज में सबसे अच्छी बैटरी आपको देने वाला है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 4230 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है और आराम से आपको 1.5 दिन तो चला ही देगा।
और अगर आप बहुत हेवी यूज़र हो तो आराम से आपको एक दिन निकाल देगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर बात कर लें तो रियलमी के जितने भी फ़ोन होते हैं उसमें आप फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और इसमें भी वही सेम केस है, आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत फास्ट है और खटाक खटाक ऑन हो जा रहा है, आप देख रहे होंगे वीडियो में। और गाइस अगर बात कर लेते हैं मोबाइल के डिस्प्ले की तो आपको यहाँ पे 6.2 इंच का HD प्लस वाला डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पे HD प्लस का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ अंडर द सनलाइट मेरे को थोड़ा बहुत परेशानी तो हो रही थी इसको यूज़ करने में। इसकी जो प्राइसिंग है मेरे को लगता है कि प्राइसिंग कम होने वाली है, इसलिए डिस्प्ले में आपको कॉस्ट कटिंग की गई है, और अगर इसकी जो प्राइसिंग है 9000 होती है तो बहुत अच्छा डिस्प्ले कहलाएगा ये। और गाइस प्रोसेसर के मामले में आपको मिल जाएगा इसमें हीलियो का P70 प्रोसेसर, जो कि आपको प्रीवियसली रियलमी U1 में भी देखने को मिला था। ये एक AI बेस्ड चिपसेट है और बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर बात करते हैं गेमिंग की तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। मैंने PUBG खेला है इसके ऊपर और PUBG बहुत ही स्मूथ चलता है, मीडियम ग्राफिक्स पे, नो लैग, फ्रेम ड्रॉप हल्का फुल्का देखने को मिल जाता है। और अगर बात करते हैं इस प्राइस पॉइंट पे तो आपको हीलो P70 बहुत अच्छा आपको एक प्रोसेसर होने वाला है, और रियलमी 3 में आपको इंटरनल्स में आपको एंड्रॉयड 9.0 पाई आउट टू द बॉक्स मिल जाएगा, जो कि सबसे लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इससे अच्छा आपको मिल नहीं सकता है। सो हीलो P70 कलर ओएस 6.0 और एंड्रॉयड 9 के साथ काफ़ी अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा आपको रियलमी 3 में। सो इतना ही कुछ था इस वीडियो के लिए गाइस, आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया तो, और शेयर कर दो अपने एक फ्रेंड के साथ शायद उसको मोबाइल लेना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।